जी आज हम संडे है, ऑफ है और सफाई कर रहे हैं। मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ। अम्मी बहुत ज़्यादा छोटे डांटे हैं कि अपने रूम साफ़ कर ले जाइए, क्योंकि मैं नीचे सोता हूँ अक्सर अम्मी के पास ही, तो मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा था। तो आज तो बड़ी डांट पड़ी है जनाब, और मैं आ गया हूँ सफाई करने। ये देखें, मैंने सारा कुछ बाहर निकाल लिया हुआ है, सामान अपना। ये मेरा रूम है, ये देखें मेरी साइकिल, ये मेरी साइकिल है। कभी कभी मैं साइकिलिंग करता होता था, ये चेक कर रहा हूँ। एवन, तो अभी आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा मैंने डेक भी लगा लिया साथ में सफाई करने के लिए। और ये देख रहे हैं जरा भाई साहब कितना गंद पड़ा हुआ है। और ये सारी सफाई करने के बाद जो है अभी मुझे नाश्ता भी करना, नाश्ता नहीं किया। अम्मी बोल रहे थे अभी नाश्ता बाद में मिलेगा, आज पहले आपने अपने रूम की जाके सफाई करो। तो आज हम कह रहे हैं अपने रूम की सफाई। फाइनली जी रूम मेरा साफ हो गया है, अम्मी से डांट अब उम्मीद है नहीं पड़ेगी। अब मुझे नाश्ता करना, और दोपहर के मेरा ख्याल है 3 या 4 बजे हैं, और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। और हाल देखने मेरा क्या हुआ है, अब बस हो गई है जनाब, बस हो गई है। अब जाके सिर्फ मैंने नहाना और नाश्ता करना है। अब ओके जी फाइनली हमारा रूम हो गया है साफ। ये मैंने कूलर भी आज साफ कर लिया है अपना। चेक करें फ्रेंड, चेक करें, चेक करें। ये मेरी साइकिल है, ये मेरे स्पीकर हैं, वो मैं हूँ पुराना सा। मेरी तस्वीर है बचपन की, जब मैं छोटा होता था। फाइनली हमारी सफाई हो चुकी है, और अब मैंने फ्रेश हो गया हूँ, नहा लिया, अब सिर्फ नाश्ता करना। और अभी आपको टाइम बताएंगे क्या हुआ, टाइम तकरीबन 4 बज गए, 4 बज गए। मैं सुबह का लगा हुआ था, तकरीबन मेरा ख्याल है 9:30 बजेगा। और जनाब अब बस हो गई है, अब तो हिला भी नहीं जा रहा। अब मैंने घर वालों का अब नाश्ता दे दो इससे पहले कि मैं गिर जाऊं। अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर सोते हैं सारा दिन। नाश्ता हम करने लगे हैं। ये है हमारी रोटी, चाय, पानी, 2 सालन, दाल माश है जी। और ये मेरी अम्मी बनाती थी रेसिपी, बड़ी प्यारी। ये आलू हैं, इसमें कोई वो, और ये बहुत टेस्ट करती है। इसमें जो है जनाब लहसुन और प्याज बिल्कुल नहीं डलता, इसमें सिर्फ जो है टमाटर डलता है। और कुछ अम्मी बनाती हैं वो क्या से कहते हैं, दड़ा मिर्च वगैरह वो डलती है, और धनिया जो सूखा धनिया होता है वो डलता है, और ये बहुत मज़े करता है, बहुत टेस्ट होता है। ये रेसिपी बना के देखिएगा, ना लहसुन डालना है इसमें, ना प्याज डालना है, टमाटर और ये थोड़ा सा मसाला डाल के ना, ये क्या कर सकते हैं मिर्चें वगैरह। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं कि टाइम बहुत हो गया है, ये 4 बजे जी मेरा नाश्ता हो रहा है, ठीक है। मैं चाय भी, यम्मी, अब मैं नाश्ता करता हूँ। जॉब पे जाने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन आप ये देखें कल तकरीबन आधा दिन मैंने लगा दिया सफाई करते हुए, और रात को इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़, बल्कि आंधी का तूफान, अभी भी आपको आवाज़ आ रही है बादलों की। तो बारिश का मौसम हो गया है, और रात को आंधी नहीं तूफान था इतनी ज़्यादा कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। रात को वीडियो भी नहीं मैं बना पाया। तो अभी आप ये देखें, रात को मैं कवर करके गया था कि मेरे रूम में मट्टी ना जाए, लेकिन फिर भी मेरे रूम में मट्टी गई है। ये देखें मेरा कितना कवर किया था मैंने, फिर भी देखें जनाब मट्टी चली गई है। अब मौसम मैं आपको दिखाऊं तो मौसम बहुत प्यारा है, बारिश वाला मौसम बना हुआ, हवा बहुत चल रही है। अभी देखें तो हवा चल रही है बहुत तेज़ तेज़। ये है मौसम, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है आज का मौसम, ये देखें परिंदे कैसे हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन उड़ा नहीं जा रहा उनसे माशाल्लाह जी। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए हमें जॉब पे निकल जाना चाहिए, अगर लेट हो गया तो फिर हमें क्या नाम है उसका, बारिश के अंदर जाना पड़ेगा, फिर गीले हो जाएंगे। तो मुझे अभी नाश्ता भी करना है, और आप देख रहे हैं कि मैं अभी नहा गया हूँ, और आपसे मैंने सोचा आपको दिखाया जाए आज का मौसम कैसा। तो जी इससे पहले हम लेट हो जाए तो हमें जॉब पे निकलना है, ठीक है जी। फ्रेंड्स देखें वही बात हुई, हम जैसे जॉब पे पहुंचे बारिश शुरू हो गई, और बारिश देखें कितनी तेज़ हो रही है। आप देख रहे हैं मैं भी गीला हो रहा हूँ, मेरे बाल भी देखें क्योंकि मैं बाइक बहुत तेज़ चला के आया हूँ।
तो मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक्स भी काफ़ी खड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने पार्क है, पार्क का व्यू चेक करें जनाब। यहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है, किधर है वो सामने, ये बारिश आप देख रहे हैं, बहुत मज़े की बारिश है। लेकिन इसमें जो है ना हवा बिल्कुल बंद हो गई हुई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था। ये फाइनली बारिश रुक गई है, और क्योंकि बारिश के दौरान मौसम बड़ा अजीब सा हो गया था, हबस हो गया था, लेकिन अब मौसम फिर भी प्यारा है, पत्ते आप देख सकते हैं हिल रहे हैं। तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है, मौसम वैसा है बारिश का, तो बस हमें निकलना है इससे पहले कि मज़ीद बारिश हो जाए। मौसम अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। आज आप देख रहे हैं मैंने रुमाल भी नहीं पहना हुआ, क्योंकि आज धूप बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैं रुमाल लेके नहीं आया। अभी आप देख सकते हैं ऊपर परिंदे भी चहचहा रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे, हम भी मौसम एंजॉय करते हैं और चलते हैं अपने जॉब पे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और अपने दोस्त उमेर लाहौरी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने दोस्त उमेर लाहौरी को दे इजाज़त और अपनी दुआओं में रखिएगा शामिल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।